हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने एलोवेरा को मल्टीप्लाई किया है। इसमें बहुत सारे एलोवेरा थे जो कि बढ़ तो रहे थे मगर बहुत पतले पतले बढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं कितने पतले हैं ये, इसलिए मुझे इनको शिफ्ट करना पड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो भी पुराने डिब्बे पड़े थे, मटकी पड़ी थी, टूटा हुआ ये टब है, तो मैंने सब इसी में लगा दिए हैं और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। जो पहले की मिट्टी और इसमें फर्टिलाइजर पड़ा हुआ था, बस उसी में मैंने लगा दिया। और अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है और वेल ड्रेन इसकी सॉइल है। ये देखिए मैंने अलग अलग लगा दिए हैं ये छोटे छोटे पौधे। ये देखिए तो फ्रेंड्स, इसको मल्टीपल करना बहुत ही आसान है। मैंने उससे निकाल लिया जड़ सहित और बस इसमें बस यूँ ऐसे करके दबा दिया और ये लग गए और ये आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है इसलिए इसमें ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए, इसमें जल होता है तो इसमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको शेड में रखिए, ये देखिए, और हफ्ते में एक दिन पानी देंगे तो भी ये सरवाइव कर जाएगा। मैंने पिछले साल इसको छोटे से गमले से इस डलिया में शिफ्ट किया था, ये जो मेरी पुरानी डलिया थी, मगर इसमें भी ये बहुत ज़्यादा घना हो गया था जिसमें इसको बढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी, तो अलग अलग मैंने इसको कर दिया सारा। और इसमें खाद भी आप 2 महीने में एक बार दे सकते हैं, कोई भी एक मुट्ठी दो मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट आप डाल दीजिए, ये अच्छे से बढ़ता रहेगा। बस इसमें पानी आप ज़्यादा मत डालिए, पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये सब गल जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी रहता है। और धूप में मत रखिए क्योंकि इसकी कुछ दिन ये धूप में रहा है तो इसकी पत्तियाँ जो है सारी पीली पड़ने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताइए कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।